वेलकम टू आवर क्लासरूम। स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन और नॉन हर्मिशियन, इनके हमने डेफिनेशंस देखी थी और हमने दो एग्जांपल्स भी किए थे कि उनकी प्रॉपर्टीज का हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो आगे हम अभी नेक्स्ट अपने एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। तो देखिए हम अपना थर्ड एग्जाम्पल करते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या कहती है? शो दैट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज जीरो। ओके, तो देखो ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड है, अगर हमारे पास कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और उसका जो ऑर्डर है ना वो क्या दिया है, ऑड ऑफ ऑड ऑर्डर, तो हमें क्या प्रूव करना है कि उसका मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो हमारा क्या आना चाहिए, जीरो। उसने ये बोला है। तो लेट आप मान लो कि जो हमारी ए मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, और मान लो कि वो उसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ ए एन। तो ये दोनों चीजें हमने लेट कर ली और एन हमें दे रखा है ऑड, ऑड नंबर है। तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो किस चीज को सेटिस्फाई करेगा, ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। अब क्योंकि हमें उसके डिटरमिनेंट पे बात करनी है, मतलब हमें वी हैव टू प्रूव दिस, ठीक है, तो हमें उसके डिटरमिनेंट दिखाना है। तो हमारा जो डिटरमिनेंट होगा उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लेना चाहिए, तभी हम इसको प्रूव कर पाएंगे। तो मैंने दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लिया। अब जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोज में भी डिस्कस किया है कि कभी भी आपको कोई स्केलर बाहर लेना हो डिटरमिनेंट के अंदर से, तो हर एक रो या हर एक कॉलम से बाहर आता है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का जितना भी ऑर्डर होगा उतनी बार माइनस वन बाहर आएगा। अब मैंने लिया ये एन ऑर्डर की, तो माइनस वन की पावर एन बाहर आएगी और अंदर ये बचेगा। और हमें ये भी पता है कि ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट सेम होता है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन और डिटरमिनेंट ऑफ ए, एंड दिस इज इक्वल टू दिस। यहां से मेरे पास क्या आया, अब देखो हमें एन ऑर्ड दिया है, ऑड दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस वन की पावर आप कोई भी ऑड नंबर करोगे तो माइनस वन आएगा, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस बिकॉज एन इज ऑड, ये हमें गिवन है। यहां से हमारे पास क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड इक्वल टू जीरो, इसको इधर ले आएंगे। तो यहां से मेरे पास आ गया कि मैट्रिक्स हमारी क्या हो गई, सिंगुलर। तो ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल हो गया। फोर्थ देखिए, फोर्थ में है कि शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज इन द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक एंड ओनली बाय वन वे, मतलब कि एक ही वे होना चाहिए उसको लिखने का। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as, और अगर बुक की लिखेंगे तो can be expressed as one and only one way, in one and only one, basically unique बोल रहा है। Sum of symmetric and skew symmetric. Skew symmetric matrices. Okay? ये प्रूफ करते हैं। तो चलो करते हैं। पहली बात तो हमें प्रूफ करना है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख सकते हैं। तो कोई भी आप ए स्क्वेयर मैट्रिक्स लो, अपने स्क्वायर मैट्रिक्स ली, अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख के दिखाएंगे कि एक पोर्शन आएगा सिमेट्रिक और एक आएगा स्क्यू सिमेट्रिक, और उसको सम करेंगे तो हमारी यही मैट्रिक्स आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, तो हमने जैसे कि लास्ट एग्जांपल में लास्ट वीडियो में सेकंड एग्जांपल किया था, उसमें हमने एक चीज प्रूव की थी कि जो ए प्लस ए ट्रांसपोज होता है वो हमेशा ही सिमेट्रिक होता है,
और ए माइनस ए ट्रांसपोज होता है वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है ना, बस ए आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो इस चीज का यूज कर सकते हैं हम। तो अगर आप ए को इसके और इसके सम में लिख के दिखा सको तो आपका काम हो गया। तो देखो मेरे पास ए मैट्रिक्स है, उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आप टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू से डिवाइड कर दो, तो वन बाय टू ए प्लस ए ऐसे लिख सकते हैं ना। अब क्योंकि आपको ना देखो ए ट्रांसपोज प्लस का भी चाहिए माइनस का भी, ताकि आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बना सको, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, वन बाय टू ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। मैंने बेसिकली क्या किया, ये नंबर ऐड किया और यही नॉट अ नंबर मैट्रिक्स, यही मैट्रिक्स ऐड की और यही सब्ट्रैक्ट की। अब इनको मैं स्प्लिट आउट कर लेती हूँ, सो दिस इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखो ये मैट्रिक्स मेरी कैसी है, सिमेट्रिक, ये कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक बाय प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, अब मैं इसकी स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिमेट्री की रहेगी, और स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगी। तो मैंने इस ए मैट्रिक्स को, एक ये मैट्रिक्स आई मेरी जो सिमेट्रिक है और एक ये मैट्रिक्स आई जो स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक तो मैंने इसके फॉर्म में लिख दिया। अब मुझे ये दिखाना है कि ठीक है मैंने एक बार तो लिख के दिखा दिया, अब कोई दूसरा वे नहीं होना चाहिए कि मैं इसको वापस से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक लिख के दिखाऊं। यही एक मेथड है जिससे कि मैं ए को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एडिशन में लिख सकती हूँ। तो मैं मान लेती हूँ कि ए को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, बट वो दोनों तरीके सेम होंगे, वी हैव टू शो दिस। ठीक है, तो देखो तो हमने पहले ये तो दिखा दिया कि चलो लिखा गया वो एडिशन में। नाउ लेट ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, जहां पर ये पी है मेरी सिमेट्रिक और क्यू है मेरी स्क्यू सिमेट्रिक, मैं एस एस लिख देती हूँ स्क्यू सिमेट्रिक। सिमिलरली मैं ए को ऐसे लिख पा रही हूँ आर प्लस एस, वापिस से मैंने लिखा आर मेरी सिमेट्रिक है और ये मेरी स्क्यू सिमेट्रिक है। अब मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि पी इज इक्वल टू आर होगा और क्यू इज इक्वल टू एस होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम शो करेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, अभी ट्रांसपोज कर लेते हैं दोनों साइड। तो ए का ट्रांसपोज किया, पी ट्रांसपोज प्लस क्यू ट्रांसपोज हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर ट्रांसपोज एस ट्रांसपोज। अब क्योंकि मेरी ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो पी का ट्रांसपोज पी आ जाएगा, क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू आएगा। सिमिलरली यहां पर तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर का ट्रांसपोज आ रहेगा क्योंकि आर सिमेट्रिक है, और एस का ट्रांसपोज माइनस एस आएगा। ठीक है, ये आया मेरे पास। अब देखो यहां पर आप क्या करो, ए प्लस ए ट्रांसपोज करो, एक तो ये इक्वेशन आई और एक ये आई। मैंने यहां से क्या किया, ए प्लस ए ट्रांसपोज किया, तब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को जैसे ऐड करोगे, नीचे वाली को मान लो टू ये, तो यहां से मेरे पास क्या आ रहा है, इज इक्वल टू पी प्लस पी टू पी, क्यू और माइनस क्यू कैंसल हो गया, तो पी की वैल्यू आई हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। इसी तरह से अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे वन में से सेकंड वाली को, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज आएगा, और फिर पी से पी कैंसिल हो जाएगा और क्यू माइनस माइनस प्लस क्यू तो टू क्यू। तो यहां से मेरी ए माइनस ए ट्रांसपोज का अगर मैं हाफ करूं तो वो मेरा क्यू आया। इसी तरह से यहाँ पे देखो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ये मेरी थर्ड इक्वेशन है और ये मेरी फोर्थ है। आप एक बार ऐड करो और एक बार सब्ट्रैक्ट करो, सेम चीज फॉलो करेंगे, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय टू आर आएगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय टू एस आएगा। तो जो वैल्यू P की आई है ना, देखो वही वैल्यू मेरी R की आएगी, और जो वैल्यू मेरी Q की आई है वही वैल्यू मेरी S की आएगी। तो इसका मतलब R और P अलग नहीं है, S और Q अलग नहीं है। तो इसका मतलब मैं एक मैट्रिक्स को दो अलग अलग तरीकों से नहीं लिख सकती, एक ही वे होगा। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अभी यही चीज हम एक एग्जाम्पल से करेंगे कि आपको कोई
कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स देगा उसको हम एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक इन दोनों के एडिशन में लिख के दिखाएंगे। देखो तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, यही पूछा है कि उसको हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख के दिखाएं। तो मैट्रिक्स है ये एग्जांपल नंबर 5 -1, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 5 ठीक है। और उसने कहा है कि एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स, मैं ए नाम दे देती हूं, तो एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो हमें मेथड पता है कि हमें क्या करना है, अभी अभी देखा हमने, तो हमें क्या करना चाहिए सॉल्यूशन, हम पहले ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए का जो ट्रांसपोज है वो क्या आएगा, -1, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 5। और आपको पता है अभी अभी हमने देखा कि जो ये जो वैल्यू आएगी, ये वाली जो मैट्रिक्स आएगी, ये हमारी सिमेट्रिक होगी। तो मैं इसको और इसको सम करूंगी और उसको हाफ कर देंगे। तो इस मैट्रिक्स को मैं पी नाम दे देती हूँ, इज इक्वल टू हाफ ऑफ, देखो ऐड करते हैं, -1, -1, -2, देन 7, 2, 9, 1, 5, 6, 2 और 7, अगेन 9, 3 + 3, 6, 4 + 0, 4, देन 5 + 1, 6, देन 4 + 0, 4, एंड देन 5 + 5, 10। अब आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, जैसे ही आप 2 से डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पे -1 आ जाएगा, ये 9/2, तो चलो 9/2, और ये 3, ये भी 9/2, मैं हाफ से डिवाइड कर रही हूँ, सॉरी 2 से डिवाइड कर रही हूँ, तो ये 3 आया, ये 3, ये 2 आ जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और ये 5। और आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये सिमेट्रिक भी है, जो एलिमेंट यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वो यहाँ है, और जो यहाँ एलिमेंट है वो यहाँ, तो सिमेट्रिक है। अब हम लिखेंगे Q, वो क्या आएगा, दिस A माइनस A ट्रांसपोज। तो पहले मैं हाफ बाहर लिख लेती हूँ, A माइनस A ट्रांसपोज, इसमें से इसको माइनस करोगे 0, 7 - 2, 5, 1 - 5, -4, 2 - this, तो -5, 3 - 3, 0, 4 - this, 4, 5 - 1, 4, 0 - this, -4, 5 - 5, 0। टू से डिवाइड कर देते हैं, अगेन 5/2, यह आ जाएगा -2, यह आ जाएगा 2, ये भी 2, ये भी 2, और ये हो जाएगा -5/2, ठीक है। अब देखो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके डायगोनल के एलिमेंट हमेशा 0 होने चाहिए, वो है। जो एलिमेंट यहाँ है उसका नेगेटिव यहाँ होना चाहिए, वो भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब आपको अगर वेरीफाई करना है तो आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके देखो, ये आनी चाहिए, हो सकता है आपने थोड़ी बहुत गलती कर दी हो, तो आप जल्दी से वेरीफाई कर सकते हो। तो एक बार क्या करो, ऐड करके देखो, P प्लस क्यू, ये आपकी A मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो करते हैं, देखो यही कर लेते हैं, -1 + 0, 9/2, 5/2, दैट इज 14/2, 7, देन 3 - 2, 1, -5/2 + 9/2, तो 4/2, हाँ तो 4/2, 2, देन 3/3 और 0, 3, ओ ओ यहाँ पे तो ऐड करना है ना, हाँ तो ये -1 आएगा, तो ये ठीक किया है, ये भी ठीक किया है, हाँ चलो। और यहाँ पर क्या आएगा, 2 और 2, 4, देन 5, 0, और ये मेरा आया 5, देखो।
तो -1 7 1 2 3 4 5 0 5, तो इसका मतलब हमने सही लिखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6, और देखो इसका प्रूफ क्या होगा, या फिर हाँ वैसे मतलब सॉल्यूशन ही है। तो ये भी ना सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है कि इसमें क्या कहा है आपको, कोई भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स दी है और अब उसको आपको हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के एडिशन के फॉर्म में लिख के दिखाना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि वैसे ही लास्ट एग्जाम्पल में हमने सेकेंड क्वेश्चन के थर्ड और फोर्थ पार्ट किए थे, उसमें भी ऐसा ही था कि आप a माइनस ए थीटा करो और a प्लस ए थीटा करो, तो ये आपका आता है हर्मिशियन और ये आता है स्क्यू हर्मिशियन। इसी चीज का वापिस यूज करने वाले हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, कोई एक मैट्रिक्स लेके चलेंगे जो कि स्क्वायर होगी। तो लेट ए हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो वापिस सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए को ऐसे लिखो हाफ ए प्लस ए। अब इसमें क्या करेंगे, ए थीटा ऐड करेंगे, थीटा का मतलब ट्रांसपोज कंजुगेट, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंड नाउ इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ए प्लस ए थीटा एंड प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए थीटा। एंड नाउ बाय द प्रीवियस रिजल्ट्स दिस इज हर्मिशियन एंड दिस इज स्क्यू हर्मिशियन, है ना। तो यहां से हमने इसको लिख के दिखा दिया। अब ये तो हमने चलो लिख के दिखा दिया, अगेन उसने कहा है यूनिकली, मतलब कि एक ही तरीका होना चाहिए उसको लिखने का। तो यही चीज करते हैं कि हम मान लेते हैं ओके, ए को लिखने के दो तरीके हैं, एक तो पी और क्यू, पी प्लस क्यू, वेयर ये हर्मिशियन है और ये स्क्यू हर्मिशियन है। इसी तरह से मैंने ए को लिख दिया आर प्लस एस, जहां पर ये मेरी हर्मिशियन और ये मेरी स्क्यू हर्मिशियन। नाउ वी हैव टू शो आर इज इक्वल टू पी एंड एस इज इक्वल टू क्यू, सेम चीज। देखो अभी तो आपको क्या करना है, थीटा कर देना है ना। तो देखो ए थीटा इज इक्वल टू पी थीटा प्लस क्यू थीटा। अब क्योंकि ये हर्मिशियन है तो पी थीटा पी के इक्वल, क्यू थीटा ट्रांसपोज कंजुगेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट। सिमिलरली हियर, तो ए थीटा मेरा क्या आएगा, आर प्लस एस ट्रांसपोज कंजुगेट, एंड दिस इज इक्वल टू आर बिकॉज आर मेरा हर्मिशियन है और ये मेरा स्क्यू हर्मिशियन है, तो ये माइनस ऑफ एस आएगा। जैसे कि हमने लास्ट में किया था, लास्ट वाले एग्जाम्पल में, वैसे ही करेंगे। एक बार इनको ऐड करो, ए प्लस ए थीटा क्या आएगा, टू पी, तो यहां से मेरी पी की वैल्यू क्या आई, दिस। सिमिलरली जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए माइनस ए थीटा डिवाइडेड बाय टू मेरा आएगा क्यू। इसी तरह से यहां पर देखो, जब मैं इसको और इसको ऐड करूंगी, ये मेरा ए थीटा है, तो ए प्लस ए थीटा मेरा क्या आया, टू आर, तो बेसिकली इसको मैं टू से डिवाइड कर देती हूँ। एंड सिमिलरली ए माइनस ए थीटा बाय टू करेंगे तो एस आएगा। तो यहां से मुझे पता चला कि आर और पी की सेम वैल्यू आ रही है, एस और क्यू की भी सेम वैल्यू आ रही है, तो यहां से पी इज इक्वल टू आर हो गया और क्यू इज इक्वल टू एस। तो इसका मतलब हम दो तरीकों से नहीं लिख सकते, एक ही तरीका है लिखने का। ठीक है, एग्जाम्पल से करते हैं इसको भी। देखो तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना, सेवेंथ, 5 minus 3 iota 2i 3 plus 5i 6 7i 1 minus 4i एंड माइनस टू प्लस सेवन आई फोर आई एंड सेवन। ठीक है, ये मैट्रिक्स गिवन है। अब वही करना आपको कि आप इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करो, सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन, सेम चीज। ओके, तो चलो करते हैं सॉल्यूशन। देखो
तो ये मेरी ए मैट्रिक्स है। अभी आपको क्या करना है, ए का ट्रांसपोज कंजुगेट निकालना है। तो पहले मैं ए का ट्रांसपोज करती हूँ। ट्रांसपोज करेंगे 5 - 3 iota, 2 iota, 3 + 5 iota, 6 - 7 iota, 1 - 4 iota, and this। ये अब ट्रांसपोज कंजुगेट करते हैं ए थीटा। तो जहां जहां पर आपको आयोटा दिख रहा है वहां माइनस कर देते हैं, तो इसमें कर देते हैं। देखो ये प्लस का हो जाएगा, यहां पर -7 आए, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, कहां कर यहां माइनस और यहां माइनस, है ना, सारे में होंगे। तो ये मेरा आया है ट्रांसपोज कंजुगेट। अब आपको क्या करना है, ए प्लस ए थीटा एंड ए माइनस ए थीटा। तो मेरा पी जो आएगा हाफ ऑफ ए प्लस ए थीटा, तो इज इक्वल टू हाफ। चलो इन दोनों का सम करते हैं। तो इसका और इसका सम करेंगे तो 10, इसका और इसका सम करोगे तो 2i + 6, और यहां पर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 iota, एंड देन 6 - 2 iota, 0, एंड दिस इज ये हो रही है 1 - 8 iota, एंड देन यहां पर 1 आएगा और ये मेरा हो जाएगा +2 iota और 1 + 8 iota एंड 14। ठीक है, ये आया है मेरा पी। सिमिलरली हम क्यू निकालेंगे, क्यू क्या होता है हाफ ऑफ ए माइनस ए आयोटा, सॉरी ए ट्रांसपोज कंजुगेट। तो हाफ ए माइनस ये करो, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, -3 - 3 तो -6 iota, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 iota - 6, दिस माइनस दिस तो 3 + 2 = 5, ये और ये +12 iota, एंड इसमें से इसको माइनस करोगे तो 6 + 2 iota, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 14 iota, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 - 4i + 4i, तो ये ठीक है। नेक्स्ट इसमें से इसको माइनस करो 1 - 5 और +12 और यहां पर मेरा आएगा 4 iota, माइनस दिस करेंगे तो 4 iota कैंसिल, माइनस का 1 एंड देन 7 - 7 = 0। ठीक है, चलो ये आया। अब ध्यान से देखो कि हमें देखना है कि ओके इन दोनों को ऐड करने से मेरा आंसर आता है या नहीं आता, क्योंकि हमें क्या पता कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ हुई है कहाँ नहीं हुई, है ना, ये देखते हैं अभी। तो इन दोनों को ऐड करते हैं P + Q, तो P + Q, तो मैं ये जो हाफ है उसको कॉमन ले लेते हैं और अभी देखो क्या आएगा। इसको और इसको ऐड करो 10 - 6 iota एंड देन इसको और इसको ऐड करेंगे तो 4 iota और ये कितना आएगा 6 एंड +10 iota, यहां पर 12 क्योंकि 2 iota कैंसिल हो जाएगा, 14 iota और 2 - 8 iota एंड देन माइनस ऑफ 4 + 14 iota एंड 8 iota एंड 14। इसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये मेरा आ रहा है 5 - 3 iota, 2 iota, 3 + 5 iota, ये 6, ये 7 iota एंड ये 1 - 4 iota, दिस इज -2 + 7 iota, 4 iota एंड देन 7। एक बार चेक करते हैं, यस इट्स करेक्ट। अब आप एक चीज अपने आप से करके देख सकते हो कि क्या P इज इक्वल टू P थीटा है या नहीं है, क्योंकि हर्मिशियन होनी चाहिए और Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये Q थीटा, क्योंकि ये हर्मिशियन है और ये Q हर्मिशियन है, तो ये आप चेक कर सकते हो खुद से। ठीक है, तो ये एग्जांपल भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
दैट इज अगर हमारा ए हर्मिशियन है तो अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो स्क्यू हर्मिशियन बनेगा, और अगर ए स्क्यू हर्मिशियन है तो आयोटा से मल्टीप्लाई करते हो हर्मिशियन बन जाएगा। तो हमें ये प्रूव करना है। देखो तो फर्स्ट अगर मेरा ए हर्मिशियन है, ये चीज आपको गिवन है कि ए हर्मिशियन है, तो इसका मतलब ये चीज आपको गिवन है। हमें प्रूव करना है कि दिस इज स्क्यू हर्मिशियन। तो किसी को स्क्यू हर्मिशियन अगर हमें दिखाना है तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज कंजुगेट करूंगी तो इसका नेगेटिव आना चाहिए, तो माइनस ये प्रूफ करना अपने को, है ना। तो ये स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा। तो देखो ये लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो आयोटा ए थीटा। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी भी करवाई थी कि जब भी कोई स्केलर हो और उसका ट्रांसपोज कंजुगेट करना हो तो उसका कंजुगेट हो जाता है, तो आयोटा का कंजुगेट और ए थीटा। अब आयोटा का कंजुगेट का मतलब क्या है, आयोटा की जगह माइनस आयोटा, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा ए थीटा। अब क्योंकि मुझे गिवन है कि ए इज इक्वल टू ए थीटा है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा दिस, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो ये चीज हम लेके चले और ये आ गया, तो इसका मतलब हमारी जो मैट्रिक्स है आयोटा ए वो हमारी क्या है, स्क्यू हर्मिशियन। क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट देखो, गिवन तो हमें ये है कि ए हमारी स्क्यू हर्मिशियन है, तो ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए थीटा, या फिर ये कह लो कि माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू ए थीटा, एक ही बात है। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कि आयोटा ए हर्मिशियन आएगा, तो आयोटा ए की पावर आप थीटा करोगे तो आयोटा ए आना चाहिए, ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। देखो तो वापिस से वही रूल लगाएंगे, दैट इज आयोटा का कंजुगेट हो जाएगा ए थीटा। आयोटा का कंजुगेट क्या आएगा, माइनस आयोटा ए थीटा, बट यहां पर ए थीटा किसके इक्वल है, माइनस ए के, तो दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा माइनस ए, माइनस माइनस प्लस आयोटा ए आ गया वापिस से, तो यही मुझे चाहिए था, है ना। राइट हैंड साइड आ गई अपनी, तो यहां से मेरा प्रूव हो गया आयोटा ए मेरा क्या है, हर्मिशियन। तो मुश्किल नहीं था, बस आप देख लेना कि आपको क्या प्रूव करना है और क्या दिया है उसी चीज का यूज करके, ठीक है। तो यहां तक हमारा हो गया, जो नेक्स्ट एग्जांपल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहां तक कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।